नमस्कार फ्रेंड्स, मु शक्ति आपन देखुछंती नरसिंहा क्रिएशन स्पेशल। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा, जहाँकि आपण मैंने समस्ते जान रखा निहाती दरकार। तेज कौन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण मैंने जानवापी वीडियो को शेष पर्यटन देखु, जहाँद्वारा कि आपने डिटेल्स इनफर्मेसन पारे। फ्रेंड्स, तापूर्व यही भिडियो गोटे लाइक करूँ, जदि पार्टी आपंगसाथी को भिडियोट सेयार करनी। जदि फ्रेंड्स आपो चैनल नुआ ही भिडियो देखते पूर्व केवी आम चैनल को सब्सक्राइब करना, तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसवा बेल आइकन को बजाय रखता। तो फ्रेंड्स, नंबर वन रही समुद्र भितर सैटेलाइट लॉन्च। समुद्र रु सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व को चमकैला चीन, नासा भी चकित। तबे समुद्र रु सैटेलाइट लॉन्च कर सारा विश्व को चमकैला चीन, पानी जहाज रु महाकाश को उपग्रह पठाइला बेजिंग। सबुठार शक्तिशाली बजेट ग्राविट वन को गभीर समुद्र रु लॉन्च करिछे। तीनोटी पानीपाग उपग्रह को सफलतार सहित सेमानकर कक्षपथरे स्थापन करिछि ग्राविट वन। चीन घर महाकाश गवेषणा संस्था ओरियन स्पेस पक्षर जनवरी 11 तारीख में पूर्वांचल सानोडोंग प्रांतर गभीर समुद्र रु यार सफल उत्क्षेपण कर मध्यान प्राय 12:30 समुद्र मझे प्रबल धूआ छाड़ महाकाश को उठी ग्राविट वन। हजार हजार लोक कूल थी नजारा देखी थे। तेज 6500 किलोग्राम ओजन तीनो उपग्रह सांगे बोही नेबारे सफल हो ग्राविट वन। पृथ्वीर निम्न कक्ष एलईओ उपग्रह गुड़ी को स्थापन कर ग्राविट वन चीन रुठ शक्तिशाली व्यावसायिक रकेट भाव में उभा होछे। यही सफलता महाकाश अनुसंधान उपग्रह प्रेरण क्षेत्र में चीन वृद्धि पाता शक्ति को दर्शाऊे। चीन स्टार्टअप संस्था ओरियन स्पेस पक्षर 2020 मसीह प्रथम गभीर समुद्र रु ग्राविट वन रकेट्र सफल परीक्षण कर एक विशाल जहाजर यार परीक्षण होता। अधिक प्रवृत्ति खबर, पारादीप बंदर कोकेन जबत घटना, जहाजर डेईले क्रू सदस्य, गुरुतर अवस्था भुवनेश्वर स्थानातर। पारादीप बंदर कोकेन जबत होता जहाजर जड़े क्रू सदस्य डेईवा जनाऊे। तांकर हाथ कटा जा अवस्था से समुद्र को डेईले। आज सका यह घटना घटी पर उद्धार कर डाक्तखाना भर्ती कर गुरुतर अवस्था पर भुवनेश्वर स्थानातर कर क्रू सदस्य है बुई कोहू। से आत्महत्या उद्यम करते सदस्य भियतनाम नागरिक होता बेले देवी जहाज में पीआईसीटी कंपानी बर्थ को पुण्य नेवाई आसी जहाज। गत डिसेंबर 1 तारिख में जहाजर 220 कोटी टंकार कोकेन जबत हो पाए। एवं 21 क्रू सदस्य को अटक रखा सहित जहाज को जबत करिछि कस्टम विभाग। तबे कस्टम विभाग जहाज को आंकरेज एरिया रे अटक रखिता बेले किभली एही क्रू मेंबर निजर हाथ काटिले और समुद्र भितर को डेईले ताहा बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछे। अधिका प्रवृत्ति खबर, बीएसकेवाई नवीन कार्ड पई एसओपी, नियमित सरकारी चाकरिया होइ नथिले करिपरिबे आवेदन। राज्य सरकार रे चाकरी नियमित होता कर्मचारी मैंने विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बीएसकेवाई नवीन कार्ड पर आवेदन करेंगे। यही कार्ड पर आउ मात्र 3 दिन बाकी थी बेले राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्ष नवीन कार्डर पंजीकरण और जांच निम्ते एसओपी जारी होछे। ग्रामांचल परिवार गुड़ी को चिन्हट निम्ते राज्य आईटी विभाग पक्ष एक सॉफ्टवेयर विकसित कर प्रत्येक आवेदनकारी आवेदन उपर 2 पर्यायर वेरिफिकेशन कर जांच पर ठीक थिबा योग्य आवेदनकारी को ही बीएसकेवाई नवीन कार्ड सुविधा मिल। राज्य स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित समस्त जिलापाल को चिट्ठी लिखि बीएसकेवाई नवीन कार्ड पंजीकरण और जांच निम्ते एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी करते। तबे राज्य आईटी विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर माध्यम से चलित मास 6-16 तारीख पर्यंत बीएसकेवाई नवीन कार्ड निम्ते आवेदनकारी ऑनलाइन रे पंजीकरण करते। ऑनलाइन रे मिलिथिबा आवेदन गुड़ी को फील्ड वेरिफिकेशन पई पठाजिबो। प्रथम पर्याय वेरिफिकेशन पंचायत संप्रसारण अधिकारी पीओ किंबा वीडियो को द्वारा मनोनीत कौन सी अधिकारी द्वारा करा जिबो। द्वितीय पर्याय वेरिफिकेशन ब्लॉक नोडल ऑफिसर द्वारा करा जिबो। बीएसकेवाई तृतीय पर्याय ग्रामांचल रे बाद पड़ा समस्त परिवार गुड़ को घर हॉस्पिटल गुरुतर रोगर कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल। केवल नियमित सरकारी कर्मचारी स्थायी चाकरिया पेंशनधारी को मिसाई और टिकसदाता को बाद दे ग्रामांचल रहुआ सब परिवार एही कार्ड पर आवेदन करेंगे। अर्थात जो कर्मचारी माने राज्य सरकार के अधीन रे कार्य करुछंते किंतु सेमानकर चाकरी स्थायी बा नियमित होइना ही सेमाने एही कार्ड पर आवेदन करने को योग्य बोली स्वास्थ्य विभाग एसओपी रु स्पष्ट होउछे। सेपर जे माने पूर्व बीएसकेवाई कार्ड पाइछंती सेमानको आवेदन रा आवश्यकता नाही। आवेदनकारी फिल्ड वेरिफिकेशन एक मोबाइल आप माध्यम करा जीवो। आवेदनकारी घर को जाई पंचायत अधिकारी माने जांच करेंगे।
या सहित आवेदनकारी जिओ टैगिंग और परिवार ग्रुप फोटो अपलोड करने सहित आवेदन बेले दिया भोटर दस्तावेज और आधार कार्ड आदि जांच करेंगे। जदि कौन आवेदनकारी दस्तावेज ठीक न था तेज संपृक्त आवेदन को रिजेक्ट कर आवश्यकता कारण जांच अधिकारी को उक्त मोबाइल आप्रे उल्लेख करने को पड़े। तेज द्वितीय पर्याय जांच ब्लॉक नोडल ऑफिसर द्वारा करा दिबो। यह आवेदन गुड़िक फील्ड वेरिफिकेशन करुवा अधिकारी सरकार तरफ अतिरिक्त अर्थराशि प्रदान कर बीएसकेवाई नवीन कार्ड में हृदयरोग किडनी यकृत ब्रेन स्ट्रोक गुरुतर मुंड आहत ब्रेन ट्यूमर पोड़ा स्नायुविक रोग और कैंसर भि नौटी गुरुतर रोगर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उभय राज्य भितर और बाहर तालिकाभुक्त घर हस्पिटाल मिल पार। अवर्ती खबर बलांगीर गोपालपुर और कटक घन कुहुड़ी अनुभूत। राज्य में चार स्थान में हाल्कु मध्यम धरण कुहुड़ी नहीं हाई अलर्ट। राज्यर बलांगीर गोपालपुर और कटक आज घन कुहुड़ी अनुभूत होार दृश्यमान दूरता 50 मीटर 200 मीटर मध्य रही है। से चांदपाली अनुगुण भवानीपाटना और बारिपदे हाल्कु मध्यम धरण कुहुड़ी अनुभूत हो तेज जार दृश्यमान दूरता 200 मीटर 1000 मीटर मध्य रही है। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष आज जारी होता ट्विट्रु सूचना मिले। अवर्ती खबर पापाग विभाग को 150 वर्ष। भारतीय पापाग विभाग खेला 150 वर्ष। आज ओडिया समेत 12 भाषा में पंचायत स्तर में मिली पापाग सूचना। भारतीय पापाग विभाग पापाग संपर्क में सठिक सूचना देवे देशर विश्वसनीय संख्या। तेरे बन्या बात्या प्राकृतिक विपर्यय बेले गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय भारतीय पापाग विभाग आईएमडी। केबे बात्या आसिब केउठी लैंडफल करिब बात्यार गतिपथ कौन रहिब तार सठिक आकलन कर अनेक समय प्रशंसा साउंटी आईएमडी। आउ यही सठिक आकलन जो अनेक धन जीवन रक्षा हो पारे। तेज आज भारतीय पापाग विभाग को 150 वर्ष पूरी 1875 जनवरी 15 तारीख में प्रतिष्ठा होता भारतीय पापाग विभाग। तेज 150 वर्ष भितर विभिन्न समय पापागर प्राक सूचना दे चली आईएमडी। ओडिशा एक बात्याप्रवण राज्य निकटने फनी हुड़ुहुड़ फाइलिन परी बात्या देखी ओडिशा। हेले पापाग विभाग सठिक आगुआ आकलन परी प्रलयंकारी बात्यार मुकबला करनेक धनजीवन रक्षा कर सबुठ बड़ कथा होबे भारतीय पापाग विभाग महानिर्देशक अच्छा जड़े ओडिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र एमडी डीजी भाव कार्यरत नेतृत्व में भारतीय पापाग विभाग अनेक नुआ नुआ गवेषणा जारी रखी। अधिकवर्ती खबर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन होती 30 कोटी कार्ड मोबाइल फोन रु एपरी करें आवेदन। तेज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जे वाई 12 जनवरी 2024 30 कोटी आयुष्मान कार्ड रो माइल खुंट अतिक्रम कर जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा कार्यकारी होता यह प्रमुख योजनार लक्ष्य होछे 12 कोटी हिताधिकारी परिवार को द्वितीय एवं तृतीय स्तर चिकित्सा निम्ते डाक्तरखाना भर्ती होगा परिवार पिछा वार्षिक 5 लाख टंका स्वास्थ्य बीमा प्रदान करिबा। तेज आयुष्मान भारत पीएम जे वाई अधीन आयुष्मान कार्ड सृष्टि करिबा होउछि सबुठ मौलिक कार्यकलाप एवं एही योजना अधीन प्रत्येक हिताधिकारी पाखे आयुष्मान कार्ड अच्छी कि नहीं ता सुनिश्चित करने निम्ते निरंतर प्रयास करा निरंतर प्रयासर फलस्वरूप यह योजना 30 कोटी आयुष्मान कार्ड सृष्टि करिबारे सफल होइछे। केवल गत 2 आर्थिक वर्ष 16.7 कोटी अधिक आयुष्मान कार्ड सृष्टि होइछि। वर्तमान सुधा 2023-24 750 कोटी अधिक आयुष्मान कार्ड सृष्टि होइछे अर्थात प्रति निकट मिनिट्रे प्राय 181 आयुष्मान कार्ड तैयार होइछे। अधिकवर्ती खबर कहीं जानुरी 15 पालन हुए भारतीय सेना दिवस। भारतर गर्व बल और दम्भ हूँ भारतीय सेना। प्रति सैन्यों त्याग और बलिदान आगे आम नतमस्तक सैन्य मैंने देशर जाग्रत पहरी साजी सुरक्षा जगाऊँच आज आम निश्चिंत शुंते तेज आमर वीर जवान साहसिकता को जिते प्रशंसा कले भी कम पड़ तेणु से बलिदान और कर्तव्य निष्ठा को सम्मान जनवा उद्देश्य प्रतवर्ष आज दिन को अर्थात जनवरी 15 को भारतीय सेना दिवस रूप से पालन कराए। यह दिवस आम वीर जवान मान श्रद्धाजलि ज्ञापन सहित भारतीय सैन्यों आत्मबल को दृढ़ कराए एसहसिकता पुरस्कृत कराए। तेज जनवरी 15 दिवस पालन करने पचरे कारण कौन जाणिनियंतु संपूर्ण बरणी कहीं 15 जनवरी पालन हुए सेना दिवस। वास्तव में जितेबाला आम देश भारत ब्रिटिश मानक अधीन से भारतीय सेना जहाँकि इंडियन आर्मी गठन होता यह समय भारतीय सेनार बहु बड़ बड़ पदर इंग्रेज मानक कार्य करते तेज 1947 भारत स्वाधीन होगा इंग्रेज मैंने ही वरिष्ठ अधिकारी रही थे कि 1949 मसीह शेष ब्रिटिश कमांडर जेनेल फ्रांसीस बचर
लेफ्टनेंट जनरल के एम करी आप्पा को समस्त दायित्व हस्तांतर करते आई दिन ही रही जनवरी 15 तारीख तेज भारत एक गौरवमय दिवस को मन रखापी प्रत जनवरी 15 को इंडियान आर्मी डे भाव पालन कर अधिका प्रवृत्ति खबर ए मोबाइल आगे सब फेल शस्तार फ्यूचर फुल स्मार्टफोन फ्यूचर जाणिले न किणी रही हेबनी तेज निकट में अग्रणी मोबाइल कंपानी ओप्पो एक नुआ 5G स्मार्टफोन लॉन्च करिछे यार दाम कम रही बेले कौन सी दामिकिया कैमेरा फोन को धूली चटाइबार समस्त फ्यूचर रही एही नुआ स्मार्टफोन हेउची ओप्पो A7 8 5G जदि आपण शस्तार एक फ्यूचरफुल मोबाइल फोन किणवाकू चाहते तेज यही मोबाइल विषय में चिंता करें तेज ऑनलाइन एही मोबाइल दाम 15,499 टंकारु आरंभ हो 17,499 पर्यंत रहिछे। एही मोबाइल ले डुआल रियर कैमेरा सेटअप मिलिबो जेउथरे 50 मेगापिक्सल रो प्राइमरी कैमेरा और 2 मेगापिक्सल रो माइक्रो लेंस सेकेंडरी कैमेरा रहिछे। ता सहित एही मोबाइल ले 8 मेगापिक्सल रो फ्रंट कैमेरा सेटअप रहिछे। अधिक प्रवृत्ति खबर मार्च 15 प्रथम रु अष्टम वार्षिक परीक्षा प्रथम रु अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा बा समेटिव आसेसमेंट 2 मार्च 15 तारीख मध्य हो पाए एथिमे प्रस्तुति आरंभ करिछि ओडिसा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओसेपा एही समय परीक्षा करिया पई योजना रहितवा संक्रांत रे ओसेपा पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी करा जायछे तबे उक्त चिट्ठी उल्लेख करा जायछे जे मार्च 21 रु 27 तारीख मध्य खाता मूल्यन हेबो 30 तारीख में फल प्रकाश पाइब से भाई प्रश्नपत्र केवठू जीव से नहीं तारीख धार्य करेबर्तन करे परीक्षापी प्रश्नपत्र उत्तर खाता मौखिक प्रश्नपत्र आदि टी एंड SCRT प्रस्तुत करुचे एसबू को दृष्टि रखी जिला प्रकल्प अधिकारी DPO स्तर में पदक्षेप नेबापी कहुचे तेज समेटिव आसेसमेंट 2 पर संपूर्ण SOP किंवा गाइडलाइन परवर्ती समय दिजाई सूचना दि जाए। अधिक प्रवृत्ति खबर PM जनमन लाभार्थी को प्रथम किस्ती जारी कले प्रधानमंत्री जनमन लाभार्थी को प्रथम किस्ती जारी कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया PM जनमन योजना अधीन 1,00,000 लाभार्थी को प्रथम किस्ती भाव 540 कोटी टंका जारी करते लाभार्थी को प्रथम किस्ती जारी करने सहित हिताधिकारी सहित वार्तालाप करते प्रधानमंत्री तेज मोदी कहते प्रत्येक हिताधिकारी सरकारी योजनार लाभ उठाई पारे आम सरकार मुख्य प्रयास अटे आपड़ जानते मोदी ग्यारंटी अटे मोदी कहते प्रत्येक हिताधिकारी सरकारी योजनार लाभ उठाई पारे ताम सरकार मुख्य प्रयास यह PM जनमन मुख्य लक्ष्य गत 2 मास ते घोषणा कर आज संभव करगला समस्त आदिवासी समूह एवं जनजातिर सुविधापी आम सरकार यह अभियान आरंभ कर जिला और राज्यर समस्त अधिकारी को बधाई देखकर सहयोग में आज गरीबों घर दीपावली पालन होवार संभावना सृष्टि तेज प्रकाश था कि 2024 नवेम्बर मस 15 तारीख जनजाति गौरव दिवस में PM जनमन योजनार शुभारंभ करते मोदी यह योजना अधीन सरकार आदिवासी समूह और आदिम जनजाति निकट में पहुंचे बोली प्रधानमंत्री दुर्बल जनजाति समूह को 4.9 लाख पक्का घर जगै दिजिव आर्थिक स्थित में सुधार आने प्रति घर पर हिताधिकारी को मिल 2.49 लाख। अधिक प्रवृत्ति खबर राम मंदिर बोमा पुलिस को आसला फोन तुरंत पहुंचला बम स्क्वाड तेज अयोध्यार राम मंदिर प्रतिष्ठापी प्रस्तुति जोरदार चली सारा देश उत्सव मुखर कारण दीर्घ बर्षर अपेक्षा पर जन्मभूमि को फेर प्रभु श्रीराम किंतु यारी मध्य आउ एक बड़ खबर सामना को आसी नवनिर्मित राम मंदिर में बोमा थी नहीं पुलिस को आसी फोन एभली फोन आसा पर अयोध्या पुलिस को किसी बुद्धिबाट देखा जाऊनता जे जोटी तुरंत राम मंदिर अभिमुखे बाहरी बम स्क्वाड को भी तुरंत पहुंचा दि जाता निर्देश। अधिक प्रवृत्ति खबर आज यज्ञ आरंभ आज श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प यज्ञ आरंभ जानतु एथ कौन सब रीतनीति रही है आउ 2 दिन पर अर्थात 17 तारीख दिन लोकार्पित हो बहु प्रतीक्षित श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प यह चलचंचल हो उठी श्रीक्षेत्रधाम यज्ञ मंडप सहित मंत्रोच्चारण से श्रीक्षेत्र कंपुची तेरे चारिड़े केवल जय जगन्नाथ ध्वनि गुंजरित होबे आज हूँ पवित्र मकर संक्रांति अर्थात पौष शुक्ल पंचमी तिथि दिन लोकार्पण आरंभ हो त्रिदिनात्मक यज्ञ एथिपाई समस्त प्रस्तुति शेष होता बेले यज्ञ प्रक्रियार तृतीय दिवस रे रविवार अंकुर पूजन समाप्त होगापर यज्ञ मंडप समस्त मंडल स्थापन शेष हो सूचना अनुजाई निकटस्थ मठ कूरु जल आनी अधिवास कार्य सरी आज सका 7:30 अपराह्न गोटाए मध्य अखंड दीप स्थापन हो सहित पंचकर्म आचार्यों द्वारा ब्राह्मण
ବରଣ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସକାଳ 7:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବେଦ ପରାୟଣ ଅନ୍ତପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3:00ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00ରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ହବନ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବେଦ ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ 15 ଲେଖାଏଁ 60 ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଋଗ୍ବେଦ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାମବେଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଅଥର୍ବବେଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦୁର୍ବେଦ ପାଠ କରାଯିବ। ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଅବସ୍ଥା। ପାକିସ୍ତାନରେ 12 ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ୍ କେଜି 615 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ପିଆଜ ଦର କେତେ ରହିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଶରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସହିତ ପନିପରିବା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲାହୋରରେ ଏକ ଡଜନ ବା 12 ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ 400 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବଜାର ସୂତ୍ରରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରବିବାର ଦିନ ARY ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଲାହୋରରେ 12 ଅଣ୍ଡାର ଦର 400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କିଲୋ ପିଛା 615 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସେଠାରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସରକାର 175 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବି ପିଆଜ 230-250 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଜିନିଷପତ୍ରର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗତ ମାସରେ ଇକୋନୋମିକ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟରିଂ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ 63,369 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ ରହିଥିବା କଥା ARY ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।